रुई एक साथ होते हैं। पोल पेन को कॉल करके मिलने के लिए बुलाता है। पेन पोल से मिलने जाती है। पेन पोल के लिए खाना बनाती है और वो दोनों थोड़ा सा रोमांटिक टाइम स्पेंड करते हैं। दूसरी तरफ पोल और पेन की पेंट हाउस से निकलते हुए फोटो वायरल हो गई थी। निट ये फोटो देखती है तो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, जिसके बाद वो पोल की मॉम के साथ पेंट हाउस पहुंच जाती है। निट जाते ही पेन को थप्पड़ मारती है। पोल की मॉम भी पेन को थप्पड़ मारती है और पेन को बहुत ही ज्यादा बुरा भला बोलती है। पेन वहां से निकल जाती है। पेन को आर्नोन मिलता है, जो पोल से मिलने आ रहा था। पेन को रोते देख आर्नोन पेन को हग करता है। वो पेन से पूछता है कि उसे क्या हुआ, पोल ने उसके साथ क्या किया। अभी यहाँ पर पोल भी आ जाता है। आर्नोन पोल को पंच मारता है और पोल से पेन को दूर रहने को कहता है। आर्नोन पेन को लेकर वहाँ से चला जाता है। आर्नोन पेन को उसके घर पर ड्रॉप करता है। दूसरी तरफ पोल की मॉम तावी के साथ थी। वो तावी को सारी बात बताती हैं। इसके बाद तावी पेन के पास पेन की वो फोटो सेंड करता है जो उसने तब क्लिक की थी जब उसने पेन का किडनैप करवाया था। पेन वो फोटो आर्नोन को भी दिखाती है। तावी पेन को कॉल करता है। कॉल आर्नोन रिसीव करता है। तावी कहता है अगर पेन जल्द से जल्द उसके पास नहीं आए तो वो ये फोटो वायरल कर देगा। आर्नोन पेन से कहता है वो टेंशन न ले, वो सब कुछ संभाल लेगा। अगले दिन पेन की ये फोटो वायरल हो चुकी थी। आर्नोन एक कॉन्फ्रेंस रखता है और रिपोर्टर्स को बताता है उनकी कंपनी एक मूवी प्रोजेक्ट पर काम कर रही है और ये फोटो उसी मूवी का है। जिस किसी ने भी ये फोटो लीक किया है उस पर उनकी कंपनी एक्शन लेगी। टैम पेन पर नाराज होता है कि उसने ये बात छिपाई कि तावी ने क्या किया था। वो गुस्से में रूम से निकलता है और निट से टकराता है। टैम का मूड पहले से ही खराब था, इसीलिए वो निट से बहस नहीं करता और उसे सॉरी बोलकर वहाँ से जाने लगता है। पर निट उसे कहती है तुम्हारी बंदी मेरे फियोंसे को मुझसे छीनना चाहती है और अगर तुमने अपनी बंदी को नहीं रोका तो हम दोनों इंसान उसे खो देंगे जिससे हम प्यार करते हैं। पोल पेन से मिलता है। वो पेन से पूछता है उसने फोटो लीक होने वाली बात उसके बजाय आर्नोन को क्यों बताई। पेन कहती है हम दोनों एक नहीं हो सकते, तुम्हारी मॉम कभी नहीं मानेंगी। जिस पर पोल कहता है मैं अपनी मॉम को मना लूंगा। उन दोनों की सारी बातें पोन भी सुन रही थी। पेन जब घर आती है तो पेन का पैट के साथ झगड़ा होता है। इसके बाद हम पैट को क्लब में देखते हैं जो कि नशे में एकदम टल्ली हो रखी थी। आर्नोन भी यहाँ पर आता है जिसको पैट ने ही बुलाया था। आर्नोन पैट से पूछता है क्या तुमने मुझे यहाँ पर अपना डांस देखने के लिए बुलाया है। पैट कहती है क्या तुम पोल और पेन के बारे में जानते हो। आर्नोन हाँ में जवाब देता है। पैट कहती है तुम पेन को लाइक करते हो, तुम्हें ट्राई करना चाहिए कि पेन तुम्हें भी लाइक करे। आर्नोन कहता है मैं किसी को भी मजबूर नहीं कर सकता मुझे लाइक करने के लिए। पेट आर्नोन को लूजर बोलती है। आर्नोन पेट को उसके घर पर ड्रॉप करता है। पेट हद से ज्यादा नशे में थी। वो आर्नोन के ऊपर वॉमिट कर देती है। पेन आर्नोन को टी शर्ट देती है चेंज करने के लिए। आर्नोन के माइंड में पेट की ही बातें घूमे जा रही थी, इसीलिए वो पेन से कहता है मैं जानता हूँ तुम पोल को लाइक करती हो पर प्लीज तुम मुझे डेट करो, मैं तुम्हारा बहुत ही अच्छे से ख्याल रखूंगा, मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करूंगा और पूरी कोशिश करूंगा कि तुम मुझे लाइक करो, मुझे बस एक चांस दो। जिस पर पेन पोल को हग करती है और आई लव यू बोलती है। आर्नोन की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। पेन कहती है बट एज अ फ्रेंड। ये सुनते ही आर्नोन के फेस की स्माइल चली जाती है। पेन कहती है तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, मैं चाहती हूँ हमारी फ्रेंडशिप तब तक रहे जब तक हम बूढ़े न हो जाएं। पेन के सामने आर्नोन की कहाँ चलने वाली थी और उस बेचारे को पेन की फ्रेंडशिप एक्सेप्ट करनी पड़ती है। अगले दिन पोल की मॉम पूरी कोशिश करती है कि पोल पेन से न मिले। वो बीमार होने का नाटक करती है पर उनका कोई भी नाटक काम नहीं आता। पोल मेड से उनका ख्याल रखने को कहकर घर से चला जाता है। पोल पेन को अपने केबिन में मिलने के लिए बुलाता है, साथ में टैम भी आता है। टैम को देखकर पोल का मूड तो खराब होना ही था। पोल पेन को अपने साथ वहां से लेकर जाता है। आर्नोन भी उनके पीछे जाता है और पेन को रोकता है। इन दोनों का पेन को लेकर झगड़ा होने लगता है। पोल यहाँ पर टैम से कहता है पेन मेरी गर्लफ्रेंड है।
इसके बाद तो इन दोनों की लड़ाई होती है। सारा स्टाफ इन दोनों की लड़ाई को खड़ा होकर देखता है। निट भी यहाँ पर आ जाती है और पॉल पेन को वहाँ से अपने साथ लेकर चला जाता है। पॉल रिपोर्टर्स के सामने पेन के साथ अपनी शादी की अनाउंसमेंट करता है। आर्नोन पेन के साथ बिताया हर पल याद करता है और वो बस यही चाहता था कि पेन पॉल के साथ खुश रहे। पॉल पेन को उसके घर पर ड्रॉप करता है। पेन पॉल से कहती है, मैं अभी तुम्हें पूरी तरह से नहीं जानती। जिसके बाद पॉल जबरदस्ती पेन के साथ उसके घर जाता है और पेन की पैकिंग करने लगता है। पेन उसे पूछती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। पॉल कहता है, हम दोनों कहीं बाहर जा रहे हैं ताकि तुम मुझे अच्छे से जान सको। पेन पॉल को रोकती है और कहती है, मैं खुद से ही पैकिंग कर लूंगी। पॉल पेन के बेड पर लेट जाता है। पेन पॉल को उठाने लगती है। पॉल पेन को अपनी तरफ खींचता है, जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। जैन को भी पेन और पॉल के बारे में पता चलता है। वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है। पॉल की मॉम को भी निट से इस बारे में पता चलता है। पॉल की मॉम तावी से कहती है, वो पेन का कुछ करे। पॉल की मॉम बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी। वो पेन के घर पहुंच जाती है तावी के गुंडों के साथ। पॉल की मॉम जैन से कहती है वो अपनी बेटी को उसके बेटे से दूर रखे। साथ ही वो पेन की मॉम को थप्पड़ भी मारती है। तावी के गुंडों से उनके घर का सामान तोड़वाती है। पैट को जब ये पता चलता है तो वो पॉल के घर पहुंच जाती है और यहाँ पर बहुत ही बढ़िया वाला तमाशा करती है। मेड पैट को बड़े ही मुश्किलों से घर से बाहर निकालती है। अगले दिन पोन जैन के घर आती है। पोन को देखकर जैन को गुस्सा आता है और वो उसे घर से धक्का देकर निकालती है। पोन जैन से अपनी बेटी के बारे में पूछती है। जैन कहती है उसकी बेटी बहुत पहले ही मर चुकी है। पोन कहती है वो झूठ बोल रही है, उसे सच बता दे पेन और पैट में से उसकी बेटी कौन है। पर जैन उसे कुछ नहीं बताती। इस सब से अनजान पॉल और पेन कोरिया में अपनी ही प्यार भरी दुनिया में खोए हुए थे। क्योंकि पेन को खाने का शौक है, पॉल पेन को कोरिया की बढ़िया बढ़िया डिशेस खिलाता है। वो दोनों एक दूसरे की कंपनी को फुल एंजॉय करते हैं। पॉल पेन के लिए गाना गाता है, साथ ही उसे प्रपोज करके उसे रिंग पहनाता है। यहाँ पर पेन के फैंस भी मिल जाते हैं जो पेन के साथ फोटो क्लिक करते हैं। इसके बाद ये फोटो बहुत ही ज्यादा वायरल हो जाती है, क्योंकि इस फोटो में पेन के हाथ में रिंग दिखाई दे रही थी। ये फोटो देखने के बाद निट को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो पॉल की मॉम से मिलने पहुंच जाती है। वो पॉल की मॉम को धमकी देती है कि अगर उन्होंने 3 दिन के अंदर कुछ नहीं किया तो ये न्यूज सब जगह फैल जाएगी कि पॉल की मॉम कितनी ज्यादा गरीब है और वो निट की फैमिली के पैसों पर पल रही है। साथ ही उन्हें वो सारे पैसे लौटाने होंगे जो उन्होंने निट की फैमिली से लिए हैं। इसके बाद पॉल की मॉम जाती है मदद मांगने के लिए पॉल की डैड के पास। पॉल की डैड पॉल की मॉम की हेल्प करने के लिए मान जाते हैं। अगले दिन पॉल और पेन वापस आ जाते हैं। जैन उन दोनों पर भड़क जाती है। वो दोनों मिलकर जैसे तैसे जैन को समझाते हैं। जैन पॉल को बताती है उसकी मॉम ने यहाँ पर आकर क्या तमाशा किया। पॉल अपनी मॉम की तरफ से माफ़ी मांगता है और उन्हें कहता है कि वो अपनी मॉम को शादी के लिए मना लेगा। पॉल घर वापस आता है। वो अपनी मॉम को बताता है कि वो पेन से शादी करेगा। पॉल की मॉम कहती है, मैं पेन को अपने घर में नहीं देखना चाहती। पॉल कहता है, शादी के बाद मैं और पेन शिफ्ट हो जाएंगे। जिस पर पॉल की मॉम वॉज लाइक, क्या तुम चाहते हो मैं मर जाऊं? अभी यहाँ पर पॉल के डैड आते हैं। पॉल के पूछने पर वो बताते हैं कि वो यहाँ पर उसकी शादी की तैयारियों के लिए आए हैं। उसकी मॉम राजी नहीं है, लेकिन वो शादी के लिए राजी है। जिस पर पॉल कहता है, इससे पहले कभी आपने मेरी मदद नहीं की और इस बार आप खुद से आए हो। पॉल की मॉम पॉल के डैड से कहती है, तुम चाहते हो जिस तरह की औरत से तुमने शादी की उसी तरह की औरत से मेरा बेटा भी शादी करे। पॉल के डैड पॉल की मॉम पर भड़क जाते हैं। पॉल को गुस्सा आता है और वो अपने डैड से कहता है, पॉल अपने डैड से कहता है, आपको लगता है कि मैं उस लड़की से प्यार करता हूँ इसीलिए शादी कर रहा हूँ, पर ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ उस लड़की से इसीलिए शादी करना चाहता हूँ ताकि आपकी इंसल्ट हो कि आपके बेटे ने एक लो क्लास से शादी की है और आप भी वही फील कर सके जो मैंने फील किया था जब आपने उस लो क्लास औरत से शादी की थी। और ये सारी बातें पॉल की मॉम रिकॉर्ड कर लेती हैं। पेन का कुछ दिनों से कुछ अता पता नहीं था, वो कंपनी भी नहीं आया था। जिसके बाद पेन और दुई उसको ढूंढने के लिए जाते हैं उस जगह पर जहाँ पर वो फाइट किया करता था। सरा जैसी सुंदर लड़की को देखकर वहाँ के सारे लौंडे पागल हो जाते हैं और पेन को घूर घूर कर देखने लगते हैं। बंदा पेन पर लाइन मारता है और उसका हाथ पकड़ लेता है।
पेन उसे मारती है और दुई के साथ वहाँ से भाग जाती है और उस बंदे का सभी के सामने पोपट हो जाता है। पेट अपने फ्रेंड टी के साथ होती है जो कि उसे एक जगह पर लेकर आता है। पेट उससे पूछती है कि वो लोग यहाँ पर क्यों आए हैं और ये कौन सी जगह है। टी उसे बताता है कि यहाँ पर हम काम के लिए आए हैं और इस काम से हमें बाइक रेसिंग से भी ज्यादा पैसा मिलेगा। टी पेट को अपना वेट करने के लिए बोलकर अंदर जाता है। टी जब बाहर आता है तो पेट उससे पूछती है कि वो यहाँ पर किस काम से आया था, पर टी उसे काम के बारे में नहीं बताता, बस इतना कहता है कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा। यहाँ पर हम तावी को देखते हैं जो पेट और टी को देखता है। वो अपने आदमियों से पूछता है कि ये लड़का कौन है। उसके आदमी उसे बताते हैं कि ये बाइक रेसिंग करता है और हमारे लिए ड्रग्स बेचता है। तावी कहता है उसके साथ जो लड़की थी क्या वो पेन की छोटी बहन है, जिस पर उसके आदमी हाँ कहते हैं। तावी कहता है इस लड़की को काम पर लगाए रखो ताकि इसके जरिए मैं इसकी बहन को काबू में कर सकूं। नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।